एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने खुद की मेहनत के दम पर खेती को मुनाफे के सौदे में तब्दील कर दिया है। इन्हीं किसानों में शामिल हैं सोनभद्र के मानपुर गांव निवासी बाबूलाल मौर्य, जो अपनी 6 एकड़ जमीन पर जैविक व वैज्ञानिक विधि से खेती करके एक साल में 8 से 10 लाख तक की पैदावार करते हैं। बाबूलाल सब्जियों की खेती के साथ साथ गेहूं और अन्य फसलों की भी खेती करते हैं। मैं कंपोस्ट खाद 3 तरह से बनाता हूं। जैसे पहला बर्मी कंपोस्ट हुआ, दूसरा मैन्योर पीट हुआ जो इफको के द्वारा मिलता है वो बनाते हैं हम, और तीसरा जो हमारा देसी विधि है पहले से वो, उसको हम तीसरा विधि देसी विधि से बनाते हैं। देसी खाद जो है कंपोस्ट वाला, ये सब लागत बिल्कुल नहीं लगता है। यदि हमारे पास पशु, सभी किसान भाइयों के पास पशु रहते हैं एक आध दो ठो, तो गोबर होता रहता है बिना लागत का। ये सब कच्चा माल के रूप में जो कूड़ा कचरा है, कूड़ा से कचरा से कंचन ये हम लोग बनाते हैं। इसमें कुछ भी पदार्थ हमारा पैसा वाला नहीं लगता है। बिल्कुल जो है हमारे खेत का रॉ मटेरियल हुआ, खलिहान का रॉ मटेरियल हुआ, गोबर पानी, बस यही इतना सामान लगता है। खरीद के मुझे कुछ भी नहीं लाना है और बिल्कुल बढ़िया खाद हमारा कंपोस्ट जो है बनके तैयार हो जाता है। वह जैविक खाद स्वयं घर पर बनाते हैं। इन सब के अलावा वह फूलों की खेती में भी अपना हाथ आजमाते हैं। कई बार अच्छी पैदावार के लिए वह खुद ही अपने बीजों को तैयार करते हैं। बाबूलाल की इसी मेहनत के कारण उन्हें कृषि विभाग की तरफ से जिले की गोष्ठियों समेत जिले के बाहर भी भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें दर्जनों बार सम्मानित किया गया है। सर, ये खाद तो हमारा, जिसे हम लोग भोजन में जैसे सलाद लेते हैं, उस तरह से हम लोगों का ये खेती में काम करता है। जैविक जो कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, ये खेती में काम करता है। बल्कि जो डीओपी यूरिया पोटाश हम देते हैं, उनसे भी एक खाद काम करवाता है। जैसे डीएपी हम लोगों का खेत में देते हैं तो 40 से 50% ही पौधा ले पाता है और शेष जमीन में पड़ा रहता है, वो ठोस के रूप में बन जाता है। लेकिन जब एक खाद हम अपना कंपोस्ट वाला खाद देते हैं तो वो उस डीएपी को भी घोल देता है और उससे भी काम करवाता है, जिससे हमारी काफी फसल बढ़िया हो जाती है। पैदावार सर इसको देने से सवाई बढ़ जाता है, कम से कम 1.25 गुना तो आराम से बढ़ जाएगा। नहीं तो इसकी मात्रा यदि अधिक खेत में डालते हैं तो 1.5 गुना भी बढ़ जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि बाबूलाल मौर्य एक काबिल और प्रगतिशील किसान हैं। वह अन्य किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। देखिए, बाबूराम मौर्य एक बहुत ही अच्छे और कृषि विभाग से जुड़े हुए किसान हैं। वो ऐसे किसान हैं कि वो अपने क्षेत्र में भी और अपने फील्ड पर भी उसका उसी तरह उपयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित करते हैं और जहां भी हमारी गोष्ठियां होती हैं वहां अपने उत्पाद को लेकर प्रदर्शित भी